जितने अच्छे विचार होंगे जीत उतनी ही शानदार होगी। बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि बताइए कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आओ एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा एक हाथी पर बैठ करके अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के आगे रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन एक ऐसा विचार आ रहा है कि इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दूं। मंत्री जी इससे पहले कुछ पूछ पाते कि क्या वजह, कैसे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, राजा साहब आगे बढ़ गए और मंत्री से रहा नहीं गया। अगले दिन मंत्री भेष बदल कर आम जनता के भेष में उस दुकान में पहुंचा और देखता है दुकानदार जो था वो चंदन की लकड़ी बेचता था। मंत्री जी ने पूछा कि धंधा कैसा चल रहा है, तो उसने बताया कि बहुत बुरा हाल है, क्या बताऊं आपको, लोग आते हैं चंदन को सूंघते हैं और प्रशंसा करते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। मैं सिर्फ ये इंतजार में बैठा हूँ कि मेरे राज्य के राजा की मृत्यु हो तो उसकी अंत्येष्टि में जो लकड़ी जाएगी, बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी, वहाँ से शायद मेरे दिन बदलना शुरू हों। मंत्री जी को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो सोच रहा है शायद यही विचार है नकारात्मक वाले। जब राजा साहब यहाँ से निकलते हैं तो उनके दिमाग में भी इसके लिए उल्टा ही आता है। बुद्धिमान मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उसने कहा कि थोड़ी चंदन की लकड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार भी खुश हुआ कि चलो कोई तो ग्राहक आया। अच्छे से उसने कागज में लपेट कर चंदन की लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगले दिन दरबार में वो चंदन की लकड़ी लेकर पहुंचे और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा साहब बड़े खुश हुए और राजा ने सोचा कि मैं फालतू में उसको फांसी पर लटकाने की सोच रहा था, उसने तो तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी सुगंधित थी। राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवाए उस दुकानदार के लिए। मंत्री अगले दिन वो सोने के सिक्के लेकर पहुंचा वही आम जनता के भेष में। दुकानदार बहुत खुश हुआ, बोला कि अरे मैं तो फालतू में सोच रहा था कि राजा को चले जाना चाहिए था दुनिया से और चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। राजा साहब तो बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि बताइए कर्म। शिष्य ने कहा कि शब्द जो हैं हमारे, वो कर्म जो काम कर रहे हैं वो हमारे कर्म, हमारी जो भावनाएं हैं वो कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप सबसे महान हैं।